नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कविता सिंह और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। चलिए एक नजर डालते हैं अभी तक की कुछ खास खबरों पर। चंबा में बारिश के बीच भूस्खलन के कारण खाई में गिरी कार, तीन युवकों की गई जान, प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को दी फौरी राहत। कांगड़ा के रानीताल में तीन कारों की हुई टक्कर, हादसे में तीन महिलाओं सहित एक लड़की घायल, मौके पर पहुंची पुलिस ने टांडा भेजे जख्मी। मंडी जिला के उपमंडल सरकाघाट की सुलपुर पंचायत में पलटा ट्रैक्टर, हादसे में दो लोग गंभीर रूप से जख्मी, 40 मिनट बाद जेसीबी की मदद से हटाया ट्रैक्टर। जिला कांगड़ा के जवाली में सड़क किनारे डाली गई मिट्टी से स्किड होकर बीच सड़क पलटी बेकाबू कार, बाल बाल बचा ड्राइवर। जिला चंबा के चौराह उपमंडल की सनवाल पंचायत में गोवंश की हत्या को लेकर हंगामा, क्षेत्र में फैला तनाव, डीएसपी सलोनी सहित तीसा से पहुंचा भारी पुलिस बल। जिला सिरमौर के कोविड अस्पताल में भर्ती दो कोरोना पॉजिटिव कैदी फरार, पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद चंद घंटों में ही किए गिरफ्तार। राजगढ़ क्षेत्र के प्रसिद्ध बड़ू साहिब में 27 लोग कोरोना पॉजिटिव, नागरिक चिकित्सालय राजगढ़ का एक सर्जन भी संक्रमित, अस्पताल में सोमवार से होगा एक ही प्रवेश द्वार। कोरोना से निपटने के लिए शक्तिपीठ मां नैना देवी जी में सचंडी महायज्ञ, महामारी के खात्मे के लिए दुर्गा जप, शिव जप, गणेश वंदना और भैरव जप का भी आयोजन। चैत्र नवरात्र के छठे दिन नवाही देवी मंदिर में भक्तों ने की देवी कात्यायनी स्वरूप की उपासना, भक्तों ने कोरोना नियमों का पालन करते हुए किए मां के दर्शन। मां चिंतपूर्णी के दरबार में श्रद्धालुओं की संख्या में कमी, कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट को लेकर मची अफवाहों के कारण मंदिर में कम ही पहुंच रहे श्रद्धालु। प्रदेश के कई इलाकों में बारिश के साथ जमकर बरसे ओले, सिरमौर में तूफान और ओलावृष्टि से खेतों में बिछी फसलें, लाखों रुपए का नुकसान। प्रदेश के मैदानी इलाकों में बारिश से गेहूं की फसल को नुकसान, सब्जियों सहित अन्य फलदार पौधों को मिली संजीवनी। जोगिंद्रनगर में शानन परियोजना की पेनस्टॉक की बाईपास पाइप फटने से भरा पानी, पूरा दिन ठप रहा विद्युत उत्पादन, परियोजना प्रबंधन पर सवाल। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने आयोजित की जूनियर इंजीनियर सिविल की लिखित परीक्षा, 24 पद भरने के लिए 5,965 अभ्यर्थियों को जारी हुए थे कॉल लेटर। पालमपुर की ग्राम पंचायत कुरल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जनता के नाम, 5 लाख से निर्मित भवन का विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने किया लोकार्पण। अभी के लिए बस इतना ही, प्रदेश भर के अहम खबरों के लिए जुड़े रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।